आरपीसी ने कहा कि हम चार गोले नहीं देंगे, पांच गोले देंगे। क्यों दोगे भाई पांच गोले? तो कहा चार गोले जब देना तो कई बार ओएमआर सीट में बाद में भर दिए जाते हैं गोले, इसलिए हम पांचवां भरवा लेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। मतलब तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि गोले बाद में भरे जाते हैं? एक संवैधानिक संस्था हो तुम इस बात को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो कि गोले बाद में भरे जाते हैं? और यदि तुम ये कहते हो कि देखो भाई गोले तो बाद में भर लेते हैं इसलिए हम क्या दे रहे हैं, फिर तो हमारी चेंज कर देगा। और इस बात की क्या गारंटी कि मैं पांचवां गोला भर के आऊंगा? आपने कहा नहीं, हमारा जो इनविजिलेटर होगा वहां पर वो चेक करेगा कि आपने पांचवां गोला भरा कि नहीं भरा। इनविजिलेटर भी तो मिनक ही होगा। जब बाद में गोले भरने वाला रुपए लेके गोले भर सकता है, इनविजिलेटर तो ज्यादा मांगेगा भी नहीं। और यदि ओमआर में बाद में गोले भर दिए जाते हैं तो नई ओमआर भी तो लगाई जा सकती है। सिस्टम ने चीजों को स्वीकार कर लिया कि हमसे नहीं हो पा रहा, तुमसे नहीं हो पा रहा, इसलिए तुम एक पांचवां गोला भरवाओगे। 100 क्वेश्चन होंगे या 150 क्वेश्चन है, 150 में स्टूडेंट ने 100 किए, 50 नहीं किए, लेकिन अब उसे 50 में भी गोले भरने पड़े, 10 मिनट वो और खाओगे। हम जाके लास्ट में 10-15 मिनट में तो गोले भरते हैं, पहले पेपर होता रहता है, लास्ट में हम सोच के बैठे 20-1 मिनट होंगे तब अपने गोले भर लेंगे, 30 मिनट होंगे तब गोले भर लेंगे, अब हमें 40 मिनट पहले लेना पड़ेगा। फिर वो क्वेश्चन जो नहीं किया उसमें गोला भरना है, इस चक्कर में कई बार उसमें भी भरा जाएगा जो कर चुके हैं, इसलिए एक में क्योंकि लास्ट में देख देख के भरने ये नहीं किया ये नहीं किया, इसमें एक आधा पक्का हो जाता है कि जब बी वाला डी भर देते हैं या डी वाला सी भर देते हैं ये तो बहुत कॉमन होगा और स्टूडेंट सारे राजी, मजा आ गया, अब पांच गोले होंगे पांच, अब वो ओमआर के अंदर बाद में नकलें। अरे सिस्टम स्वीकार कर रहा है इस बात को, यहाँ नकल होती है, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे लोग, तुम पेपर लेने वाले, और यदि बाद में भर लेते हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए। इसका मतलब पिछली इतनी जो वैकेंसियां निकली उसमें बाद में भरे गए, और यदि बाद में भरे गए इसका मतलब अब तक जो लोग लगे वो सारे वैसे लगे।